धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें डीआरजी की टीम को महीना भर के अंदर दूसरी बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि इस मुठभेड़ में नक्सली वाशु और फासु ढेर हुआ है, तो वहीं एक से दो नक्सली के घायल होने की भी सूचना है। दरअसल पुलिस को धमतरी गरियाबंद जिले के सरहदी क्षेत्र में मैनपुर नुआपाड़ा उड़ीसा डिवीजन के 20 से 25 नक्सली होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने टीम बनाकर घेराबंदी कर सर्चिंग अभियान चलाया। इसी दौरान नक्सलियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें दोनों ओर से करीब 150 राउंड फायरिंग हुए, जिसमें एक नक्सली ढेर हुआ है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि मुठभेड़ में शामिल सभी नक्सली मैनपुर नुआपाड़ा संयुक्त डिवीजन के हैं, जिसके चलते पुलिस ने इलाके में अपनी सर्चिंग तेज कर दी है और नक्सली वारदात से निपटने के लिए फोर्स पूरी तरह से तैयार है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। मुखबिरों से जानकारी मिली थी कि धमतरी और गरियाबंद जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए करीबन 20 से 25 की संख्या में प्रतिबंधित माओवादी संगठन के नक्सली वहां पर एकत्रित हुए हैं। इस जानकारी को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया, उनके द्वारा ऑप्स प्लान तैयार किया गया और फिर उसके बाद डीआरजी नगरी की टीम को वहां पर रवाना किया गया। एक जहां पर नक्सलियों को होने की जानकारी थी, एक पार्टी वहां पर अटैकिंग पार्टी बनाया गया और दूसरी कटा पार्टी बनाया गया। पुलिस को देख करके नक्सलियों ने पुलिस के ऊपर फायर खोला। पुलिस द्वारा अपने बचाव के लिए जवाबी कार्रवाई की गई और पुलिस की कार्रवाई में एक नक्सली मौके पर मारा गया। नक्सली के पास से एक राइफल मिला है और भारी संख्या में बैनर पंपलेट और नक्सल साइड भी है। एक दो नक्सलियों को घायल होने की जानकारी मिली है, क्योंकि वहाँ पर जो एरिया है काफ़ी दुर्गम जंगल पहाड़ी क्षेत्र है, तो नक्सली उसी तरह भागे हुए हैं। पुलिस द्वारा अभी भी सर्चिंग अभियान जारी रखा गया है। करीबन 100 से 150 राउंड फायरिंग होने की जानकारी मिली है।